नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी चतरा की, जहां नहीं रुक रहा तेज रफ्तार का कहर। साथ ही बात होगी जालना की, जहां जिला सामान्य अस्पताल के आपातकालीन ऑक्सीजन पाइपलाइन चोरी करने वाले चोर को पकड़ा गया। और अंत में चर्चा करेंगे सीहोर की, जहाँ अमन चैन और तरक्की के लिए हज पहुंचकर दुआ मांगेगी बुधने की पूर्व प्रथम महिला शाहीन तारिक पटेल। और भी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। चतरा थाना टंडवा क्षेत्र के रहमतनगर गांव के पास तेज रफ्तार कोल वाहन ने साइकिल सवार मजदूर को रौंद डाला। घटना में मजदूर के दोनों पैर और सिर में गंभीर चोट आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस के सहारे घायल मजदूर को टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया और रास्ते में ही मजदूर ने दम तोड़ दिया। बताया गया कि मृतक मजदूर साइकिल से सवार होकर मजदूरी के लिए धनगड्डा की ओर जा रहा था। फिलहाल घटनास्थल पर भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह और झामुमो नेता मनोज चंद्र सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में नो एंट्री और मुआवजे को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। जा रहे थे, हाईवे मारा है, परोजना जी पास लग जाते हैं, हाईवे मारा है सुबह के टाइम में, उनको हमारा है 5:30 बजे, उनका घर तेजाटी है, उनका हम भाई हैं और पिता के नाम उनका हाईवे मारा है, उनका भाई हैं हम, उनका घर तेजाटी है, उनका पिताजी का नाम श्री जी अरविंदर साहब विनोद कुमार। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर जालना से है। यहां सामान्य अस्पताल में आपातकालीन ऑक्सीजन पाइपलाइन चोरी करने वाले एक शख्स को अस्पताल सुरक्षा गार्ड ने रंगे हाथों पकड़ा। कोविड काल के दौरान मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए जालना जिला सामान्य अस्पताल के दुर्घटना विभाग के आपातकालीन ऑक्सीजन पाइपलाइन स्थापित की गई थी। उक्त पाइपलाइन तांबे की धातु से बनी है, इसलिए एक चोर पिछले कई दिनों से इस पाइपलाइन को चुरा रहा था। आज तांबे की धातु से बनी पाइपलाइन को चुराने आए चोर को अस्पताल के गार्ड ने पकड़ लिया। पूरे मामले को लेकर डॉक्टर राजेंद्र गाड़ेकर, अपर जिला शल्य चिकित्सक जालना, ने क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। हमारे दोन वाजता आमचे सुरक्षा रक्षक सुपरवाइजर श्री संजीव हिवराळे आणि बाकीचे सुरक्षा रक्षक यांनी मला मोबाईलद्वारे सांगितले की एक चोर आपली ऑक्सिजन पाइपलाइन चोर करताना रंगे हाथ पकडला आणि त्यांना ती पाइपलाइन तांब्याची त्याला मीटर लावले जोडलेले ते घेऊन त्याला अपघात विभागामध्ये त्यांना धरून पकडले आणि मग मी घरी येऊन पाहणी केली असता त्या ठिकाणी एक पाईप तुटलेला, जी आमची कॅम्पसमध्ये स्किल लॅब आहे त्याच्या पाठीमागच्या बाजूला हा पाईप होता, तो पाईप यानं चोरून काढून घेतला आणि त्याला त्या पाईपसगत पकडले आमच्या सुरक्षा रक्षकांनी आणि आल्यानंतर त्याला कदीम पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही हा गुन्हा दाखल केला। कारण जालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठाण की रिपोर्ट। ललितपुर के रनगांव में मोती मंदिर पर हर वर्ष की तरह जवारों के चढ़ते ही मेले का शुभारंभ हो जाता है। इसी क्रम में शनिवार को आस्था के जवारे चढ़ते ही मेले का आगाज हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने मंदिर पर माथा टेका, मेले का लुत्फ उठाया। भारी संख्या में लोग काफी दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। वहीं मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के स्टॉल सहित मनोरंजन के लिए झूला, ब्रेक डांस इत्यादि की दुकानें सजी हुई हैं। लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके खास इंतजाम किया गया है। मेले में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो चोरी चकाटी वालों के लिए मडावरा पुलिस हर वक्त मुस्तैद है। पुलिस हर एक गतिविधियों पर पैनी नज़र बनाए है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। सहारनपुर के एसएसपी के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए अवैध मादक पदार्थ और इनके कारोबारों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बेहट योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान शातिर नशा तस्कर अभियुक्त शबाना पत्नी असलम को पथराव के पाजराना रोड पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 ग्राम नाजायज स्मैक बेचकर प्राप्त हुए पैसे बरामद हुए हैं। पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पति नशा करते हैं तथा कोई काम भी नहीं करते हैं। ये स्मैक मैं सस्ते दामों में बाहर से खरीद कर आसपास के गांव में जाकर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाती हूँ। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सीहोर के बुधनी से है। अनगर में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शाहीन पटेल और कांग्रेस नेता तारिक पटेल हज यात्रा पर निकलने से पहले उनके निवास पर उनके चाहने वाले और मित्र बंधुओं ने फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। बता दें कि बुधनी की पूर्व प्रथम महिला शाहीन तारिक पटेल दंपत्ति को मिठाई खिलाकर परिवार और मित्रों ने विदाई दी। बुधनी के अमन चैन और तरक्की के लिए हज पहुंचकर दुआ मांगेंगी बुधनी की पूर्व प्रथम महिला
इस मौके पर स्वागत करने वालों में संजय शर्मा, पत्रकार छगन लाल दुबे, ओम प्रकाश मालवीय, राजेंद्र यादव, राजा अमीर पटेल, भूपेंद्र सिंह कीर आदि रहे। हज और जकात ये दो चीजें हैं, तो हज और जकात सिर्फ दौलतमंदों पर है और हज उस पर फर्ज होता है कि जो कि अपनी सारी जरूरतों से फारिग हो जाए, बच्चियों से, बच्चों से, और अगर फारिग नहीं हुए तो इतना पैसा हो कि उनके लिए अकाउंट में रख दे, बच्चों की शादी के लिए भी रख दे, बच्चियों के लिए भी रख दे, और फिर भी सारी जरूरत पूरी हो के इतने पैसे उनके पास है कि बात सहूलियत। सीहोर से सीनियर संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।